पुरानी कंपनी है काफी, मतलब सालों से, इनफैक्ट 1938 जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैंने जब कल पढ़ रहा था तो यही फिगर सामने आ रहा था। और दूसरी बात अभी है, 2005 में इसकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, और जितने भी टेक्सटाइल्स के जो बिजनेसेस है वो एक उसमें लाके मर्ज किया था, तो इसलिए सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज का बर्थ हुआ था। और अब कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी अपने जो कॉटन टेक्सटाइल्स में है, ब्लेंडेड कॉटन में, और इस सेक्टर से मैंने बहुत सारे स्टॉक्स मिले। आपको याद होगा अनिल जी, नितिन स्पिनर्स हो या अंबिका कॉटन हो या आपके वर्धमान टेक्सटाइल्स हो, इंडो काउंट हो, सबको मैंने, हमारे बाकी पैनलिस्ट सब ने ही रेकमेंड किया हुआ है, और ये सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है कंट्री में, इनफैक्ट ये डाइड स्पन यार्न और वैल्यू एडेड स्पेशलिटी यार्न्स का और होम टेक्सटाइल्स में भी एंट्री ली हुई है कंपनी ने। बट हालांकि वहां पे अभी भी ब्रेक थ्रू मिलना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। 6 के PE मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है, और टेक्सटाइल कंपनी होते हुए भी जो डेट्स है वो मैं ये बोलूंगा कि डेट टू इक्विटी को काफी मेंटेन किया, 0.83 है। जनरली 1 टाइम्स 2 टाइम्स पहले हुआ करता था, बट पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया और उससे एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो इनका कैपेक्स भी कंटिन्यूस बेसिस पे हुए जा रहा है। और उसकी वजह से जब डेट्स देखते हैं तो रेटिंग्स भी देखना जरूरी है, तो लाजमी है कि बिरला ग्रुप कंपनी है, के बिरला ग्रुप कंपनी, तो A+ की रेटिंग्स है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल है काफी। और 15 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, 36% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की, और अच्छा खासा बेस बना रखे, 105 का लेवल्स ऊपर दिखाई है, और नीचे ये 55-60 के बीच में, 57-58-60 के बीच में ये कंपनी ने सपोर्ट लिया है, और अब 65-66 के लगभग भाव चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, टेक्निकली तो बहुत बढ़िया लेवल्स पे है ही है। फिर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहा था, तो मार्च 2021 में 31 करोड़ का पैट था, उसके सामने 52 करोड़ का पैट था मार्च 2022 में, तो कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कमाई है। उसका रीजन ये भी है कि टॉप लाइन भी बहुत बढ़िया बढ़ा है, और साथ साथ मार्जिन्स भी 11% के मार्जिन से 14% के मार्जिन पे आए हैं, जहां पे कॉटन में देखिए प्राइसेस को लेकर काफी वो थी, और ऊपर से इसलिए स्टॉक भी करेक्ट किया था 105 के लेवल से, जब करेक्ट किया तो रीजन यही था कि पिछले कुछ दिनों में कॉटन की प्राइसेस काफी, मतलब, स्पाइरल हो रखी थी। और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग करीब 64% के लगभग है। पिछले क्वार्टर में, मार्च 2022 के क्वार्टर में, FIIs भी इनफैक्ट 1.19% शेयर होल्डिंग लेते हुए दिखी है। ठीक है, छोटा है, बट जो भी है, पहली बार इनफैक्ट 1% से ऊपर कंपनी में शेयर होल्डिंग दिखी है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 75 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 80 का।